पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, तो वहीं इस काम में हमारे मेडिकल स्टाफ सबसे ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन के लिए भी यह समय चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में रायगढ़ महिला पुलिस की बात करें तो वे भी किसी से कम नहीं है, दिन रात इस विपदा की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज के दौर में हर एक डिपार्टमेंट में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। हमें बताने में खुशी होगी कि जिले में चार बड़े थानों की जिम्मेदारी एसपी संतोष कुमार सिंह रायगढ़ द्वारा चार महिला निरीक्षक को दिया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर एवं अपने पारिवारिक दायित्वों की जिम्मेदारी एक साथ निभा रही है। हाल ही में राज्य पुलिस सेवा की दो महिला अधिकारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजू कुमारी सुश्री ज्योत्सना चौधरी बताती है कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के पहले सुने थे कि पुलिस वाले हर किसी की मदद करते हैं। इस लॉकडाउन में ड्यूटी करते हुए सीधे आम लोगों से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लोगों को हम संक्रमण से बचाव के बारे में समझाते हैं, लोग हमारी बात मानते भी हैं, जिससे हमें काफी खुशी मिलती है। सबसे बड़े लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में एसपी सर ने हमें भी अहम जिम्मेदारी दिए हैं। हमें जन सेवा के साथ कुछ लोगों पर सख्ती भी दिखानी पड़ती है। दोनों सुबह 4:30 बजे पेट्रोलिंग, बाजार व्यवस्था एवं शाम को गली मोहल्लों में बाइक पेट्रोलिंग कर सतीगुड़ी चौक में ड्यूटी पर रहती हैं। कोविड-19 के कारण मेरी ड्यूटी अपने गृह जिले रायगढ़ में लगी हुई है। यहाँ सुबह के समय हम ताकि लोगों की भी सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकें एवं भीड़ नियंत्रित रहे यह इंश्योर कर सकें। लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए एवं लोग घर से बाहर नहीं निकले इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम शाम के समय में बाइक पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं, ताकि तंग गलियों में भी अपनी पहुंच बना सके। प्रशासन की सख्ती एवं समझाइश के कारण सिचुएशन बहुत कंट्रोल में आ चुकी है। बाजार व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए सामाजिक दूरी में लोगों को समझाना मुश्किल होता था कि अनावश्यक घर से ना निकले और सामाजिक दूरी को बनाए। बाद में लोगों को समझ में आ गया इस वायरस से बचना है तो सामाजिक दूरी को बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। शाम के समय गलियों में भीड़ होती थी, जिसके नियंत्रण के लिए हम बाइक पर गली निकालते थे। गलियों में जा जाकर लोगों को समझाइश देते थे कि अनावश्यक घर से ना निकले और सामाजिक दूरी को बनाए रखना। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।